Students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, पिछली ऑडियो में मैंने आपको 10th हिंदी की बिहारी जी के दोहे करवाए थे. आज हम उसी का अगला और अंतिम भाग वरिंद जी के दोहे पढ़ेंगे. दोहे स्टूडेंट्स एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें हम थोड़ी सी बातों को ही बहुत यानी कि थोड़े से शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह देती है. आज हम वृंद के दोहे पढ़ते हैं. करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान. जड़मत यानी कि बिना मति यानी कि मूर्ख आदमी. सुजान यानी कि बुद्धिमान आदमी. रसरी आवत जात है ते सिल पर परत निशान. रसरी की मतलब रस्सी, सिल मतलब पत्थर. वृंद जी कहते हैं कि करत कर अभ्यास के यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़ मत जो है यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी सुजान यानी कि बुद्धिमान बन जाता है. जिस प्रकार रसरी आवत जात ते सिल पर निशान, जिस प्रकार जब बार बार पत्थर पर रस्सी को घिसा जाता है तो वहाँ पर भी पत्थर पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं. भाव जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हमें याद हो ही जाती है. फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजे बार. कभी कहते हैं कि जो कपट है वो बार बार हम किसी से साथ नहीं कर सकते हैं. जो झूठ है या जो धोखा है वो बार बार एक बार तो कोई खा लेता है लेकिन बार बार कोई खाता नहीं. जो कीजे व्यापार, क्योंकि बार बार व्यापार में धोखा या कपट नहीं होता है. जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजे वार. जिस प्रकार जो काठ यानी कि जो मिट्टी की हांडी या गड़वी थी या पतीला होता है वो बार बार जो है वो आग पर नहीं चढ़ती, क्योंकि जब हम बार बार उसमें उसे ऊपर आग में चढ़ाएंगे तो वो टूट जाती है. उसी प्रकार जब एक बार झूठ बोलकर काम निकल जाता है लेकिन दूसरी बार जो है वो झूठ बोला जाए तो वो पकड़ा जाता है. इसीलिए किसी भी व्यापार में एक बार तो झूठ बोला गया है वो दूसरी बार चढ़े या दूसरी बार बोला जाए ऐसा होता नहीं है. जिस प्रकार जो मिट्टी की हांडी है वो बार बार आग पर चढ़े तो टूट जाती. मधुर वचनते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान. मधुर वचन यानी कि जो हमारी मीठी बोली है उससे उत्तम जन अभिमान, जो अच्छे लोग हैं या कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिनको अभिमान होता है वो टूट जाता है. तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान. जिस प्रकार जब एकदम से ही दूध को उबाल आता है और उसमें जब हम पानी के छींटे देते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं अगर उनसे मीठी बोली बोली जाए तो वो भी अपने अभिमान को छोड़ देते हैं. अरे छोटो घनिए नहीं जाते होत बिकार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार. अरे छोटो गनिए नहीं जाते होत बिकार. कभी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि जब छोटा जो छोटी चीज़ें होती हैं जब वो बड़े समूह में बनती हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होती हैं. जिस प्रकार तृण समूह यानी कि जब तिनकों को इकट्ठा किया जाता है और हल्की सी जो चिंगारी भी होती है जब उसमें पड़ जाए तो वो बहुत बड़ी आग बन जाती है. उसी तरह से ही किसी भी बात को या किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने आपको इन दोहों के साथ ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. पहला प्रश्न है, बार बार अभ्यास करने पर क्या होता है. दूसरा प्रश्न है, कवि वृंद ने छल कपट के बारे में क्या बताया है. तीसरा प्रश्न है, मीठी बोली से क्या होता है. चौथा प्रश्न है, छोटी सी चिंगारी क्या कर सकती है. और पांचवा प्रश्न है, इन दोहों के लिखने वाले का नाम लिखें. छठा है, शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं जो आपको मैंने साथ साथ में ही सलात में बताए हैं. पहला है जड़मत, दूसरा निशान, तीसरा हांडी, चौथा काठ, पांचवा मधुर,
और छठा जो है वो है तृण। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था कि इन दोहों के साथ ही आपने प्रसंग भी लिखने हैं। बिना प्रसंग के कोई भी सलात अगर लिखा जाए तो उसके नंबर आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए हर सलात के साथ आपने प्रसंग अवश्य लिखना है और इस होमवर्क को अच्छी तरह से सुनना है और अपनी अपनी कॉपियों पर लिखना है। धन्यवाद।